रत्नें देखने के लिए चांद सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, यह हमारे महासागरीय धाराओं और लहरों, पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु की गति, यहाँ तक कि हमारे ग्रह की धरी के झुकाव को निर्देशित करने में भी मदद करता है। क्या होगा अगर चांद अचानक गायब हो जाए? पृथ्वी का क्या होगा और इसके ऊपर रहने वाले सभी जीव जंतु का क्या होगा, आपने कभी सोचा है? तो आइए जानते हैं चांद के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। बने रहिए हमारे साथ थॉमस एंड फैक्ट्स में। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हम सोच सकते हैं कि रात का समय काफी गहरा होगा। चंद्रमा की सतह सूर्य के प्रकाश को दर्शाती है, जो हमारे रात के आकाश को रोशन करती है। तो चांद की रोशनी के बिना सभी जगह प्रकाश नहीं आता। इसकी वजह से सड़कों पर चलना या लकड़ी की कैंपेन में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अचानक चांद के गायब हो जाने से इसका असर जानवरों पर भी पड़ेगा। कई शिकारी जानवर जैसे उल्लू और शेर अपना शिकार करने के लिए चांद की रोशनी के ऊपर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी पर समुद्री लहरें मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे बहुत करीब है, इसलिए हमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे ग्रह पर पड़ता है। वह बल हमारे महासागरों को आगे और पीछे खींचने के लिए काफी मजबूत है, जिसे हम लहर कहते हैं। चंद्रमा के बिना लहर बहुत धीमी गति से उठेगा और गिरेगा। लहर में 2/3 की कमी से तटीय पारिस्थितिक तंत्र में भारी बदलाव आएगा। अगर लहरें आना बंद हो गई तो उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु जैसे कि केकड़े, बार्नाकल्स, समुद्री तारे, लील शैवाल की कई प्रजातियां जीवित रहने के लिए नहीं बचेगी। अगर ऐसा हुआ तो इनके ऊपर रहने वाले प्राणी जैसे कि भालू, रेगुन, हिरण, समुद्री पक्षी, उन सब का भी नाश हो जाएगा। सूर्य की वजह से भी समुद्री लहरें उठती है, पर यह सिर्फ छोटा सा अंश है। और आपको पता ही होगा, अगर चांद नहीं रहेगा तो हमें सूर्य ग्रहण देखने को भी नहीं मिलेगा। और क्या आपको पता है, अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। तो ये थी चांद के बारे में कुछ बातें। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।